थर्ड चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। कल आपको बता दिया था कि कितने चर होने चाहिए, दो चर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रैखिक होने चाहिए। रैखिक का मतलब चर की घात क्या होनी चाहिए? एक। समीकरण का मतलब बराबर का निशान होना चाहिए उसमें। और युग्म, युग्म का मतलब क्या है कि आपके पास समीकरण कैसे होने चाहिए? दो होने चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है। जैसे संतरों का क्या भाव है, संतरा क्या रेट आता है? अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 25 रुपये पर केजी आता है, ठीक है। सेब खरीदते हैं वो क्या रेट आता है? 100 रुपये पर केजी आता है। यह सस्ता है, इससे महंगा है, एवरेज ये लगा लेते हैं, ठीक है। आपकी जेब में 200 रुपये हैं, आपकी जेब में कितने हैं? 200 रुपये। तो 200 रुपये में से आपको संतरे भी खरीदने हैं और सेब भी खरीदने हैं, ठीक है। तो आप कितने संतरे खरीदोगे और कितने किलो सेब खरीदोगे? हाँ, यूज आपको 200 रुपये करने हैं, ठीक है। और 4 किलो संतरे खरीदेंगे, 1 किलो सेब। यानी कि इन्होंने तो क्या खरीदा कि 1 किलो तो सेब खरीदा और 25 गुना में कितना? 4, यही खरीदा। इसके अलावा भी 2 किलो संतरे और 1.5 किलो हाथ की जरूरत नहीं है। 2 किलो संतरे यानी कि 25 गुना में कितना? 2 प्लस में 1.5 किलो है ना, तो 1.5 किलो का मतलब कितना? 1.5, तब भी 200 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये 4 किलो ही खरीदने हैं और ये कितना? 1 किलो ही खरीदना है। यानी कि यहाँ पर आप वैल्यू क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। और जिसकी वैल्यू चेंज होती है उन्हें क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर इनकी वैल्यू आपकी फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि संतरे ज़्यादा लेने हैं या सेब ज़्यादा लेने हैं। तो फिर मैं मान लेता हूँ कि माना संतरे कितने खरीदोगे, मान लो एक्स किलो खरीदोगे, कितने किलो खरीदोगे? एक्स किलो। और सेब कितने किलो खरीदोगे? वाई किलो, ठीक है। तो कितना होगा? 25 गुना में यहाँ पर मैं मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एक्स लिखना पड़ेगा। 25 गुना में क्या लिखूँगा? वो मेरे क्या आ जाएंगे? रुपए आ जाएंगे। अगर 1 किलो खरीदा तो 25 एकम 25, 2 किलो खरीदा तो 25 दूना 50, 4 किलो खरीदा तो 25 चौके 100, ठीक है। और प्लस में कितना? 100 गुना में कितना? वाई। तो वाई भी क्या है? सेब है। तो यहाँ पर कितने वाई किलो अगर आपने सेब खरीदे तो 25 गुना में एक्स प्लस में 100 गुना में वाई बराबर में कितना हो जाएगा? 200। ये आपका पैसों का कैलकुलेट आ गया। आगे सुन में क्या ये? तो ये आपने क्या बनाया है? रैखिक समीकरण बनाया है। 25x प्लस में कितना? 100y बराबर में कितना? 200, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें मिलेंगी मिलेंगी आपको, वो हो सकता है दो तरह के फल हैं। या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी और मेरे पिता की आयु दोनों का जोड़ 90 है, तो मेरी और मेरे पिता की आयु का योग कितना है? 90 वर्ष है। तो आप बता तो नहीं पाओगे कि मेरी उम्र कितनी है और मेरे पिता की उम्र कितनी है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो मानोगे कि मेरी उम्र कितनी है? एक्स, और मेरे पिता की उम्र कितनी है? वाई। तो इसलिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आगे सुन में क्या? तो एक्सरसाइज 3.1 में आपको सिर्फ क्या बनाना है? समीकरण बना के दिखाना है, ठीक है। आपको चर मानने हैं, तो चर आप एक्स, दो ही चर वाले हैं, तो एक एक्स मानना है और एक क्या मानना है? वाई मानना है, ठीक है। तो जैसी स्थिति दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको रैखिक समीकरण बनाना है। पहला सवाल क्या है देखो? अब तो आप अपने पिता से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या इस स्थिति को बीजगणितीय एक ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए? बीजगणितीय क्या होता है? कि जो x और y के रूप में लिखा जाता है, जो चरों के रूप में लिखा जाता है, वो क्या होता है? बीजगणित होता है, ठीक है। तो इसके रूप में लिखना है आपको,
और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, फिर उसका ग्राफ बना के दिखाना है। तो पहले क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कंपैरिजन किस किस का हो रहा है? पुत्री और आफ्ताब की आयु का, उसी का ही हो रहा है ना। पिता का नाम क्या है? आफ्ताब ही है ना। तो फिर आपको दोनों की उम्र माननी पड़ेगी, आज की उम्र माननी पड़ेगी उनकी, पहले वर्तमान मान लेते हैं, ठीक है। माना आफ्ताब की वर्तमान माननी पड़ेगी, आज की तारीख में उसकी आयु कितनी है वो लेनी पड़ेगी पहले आपको, कितनी? एक्स वर्ष, ठीक है। और माना पुत्री की वर्तमान आयु कितनी? वाई वर्ष, ठीक है। लेकिन वो तो आज की बात नहीं कर रहा, वो तो कब की बात कर रहा है? 7 साल पहले की कर रहा है। तो 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितनी थी? तुमसे 3 गुनी आयु। नहीं नहीं, सिर्फ यहां से देखना है पहली लाइन के हिसाब से मुझे। इसलिए आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी? एक्स माइनस 7, कि आज जितने साल का है उससे क्या था? 7 वर्ष क्या था? कम था। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 7। आ गया समझ में क्या? ये ऐसे ही, इसलिए पुत्री की 7 वर्ष पूर्व क्या थी? 7 वर्ष पूर्व आयु क्या थी उसकी? वाई माइनस 7। लेकिन प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न के हिसाब से काम करना है। किन दोनों का कंपैरिजन है? आफ्ताब की आयु का और पुत्री की आयु का। लेकिन कितने साल पहले? 7 साल पहले। तो 7 साल पहले वो तो कितना है? एक्स माइनस 7, और वो कितनी है? वाई माइनस 7, ठीक है। अब कौन किसके बराबर कितना था देखो। तो वो कहता है कि 7 साल पहले ना मैं तुमसे कितने गुना? 7 गुनी आयु का था। कितने गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु। तो 7 गुनी आयु कैसे आएगी? किसको 7 से गुना करें? कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले ना मैं तेरी उम्र का 7 गुना था। तो x माइनस 7 वाई माइनस 7 किसको 7 से गुना करवाऊं? पुत्री की आयु को करवाना पड़ेगा ना। पुत्री की आयु को 7 से गुना करेंगे तब आफ्ताब की आयु के बराबर बनेगा वो। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा? 7 गुना में कितना आएगा? y माइनस में कितना आएगा? 7। आया समझ में? कहिए पहले ये चीजें माननी पड़ेंगी आपको, दो चर मानने ही मानने हैं। तो वो आपको सवाल में दे रखा होगा किसको क्या मानना है, ठीक है। भी दो अगर आफ्ताब दे रखा है और उसकी पुत्री दे रखी है तो मतलब उनकी आयु को मानना है आपको, ठीक है। फिर क्या करना है? प्रश्न के अनुसार काम करना है। प्रश्न कहता है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले ये यहाँ था और ये यहाँ थी, ठीक है। तो 7 साल पहले क्या कंडीशन थी? कि 7 साल पहले जो आफ्ताब था ना वो क्या था? पुत्री की आयु का 7 गुना था। ये हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना? 7y माइनस में कितना? 49। इधर ले आओ चरों को, इधर ले आओ। x माइनस कितना? 7y इज इक्वल टू कितना? माइनस 49 प्लस के कितने? 7। क्या बना? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। समीकरण एक बन गया। लेकिन आपके पास तो कितने हैं? युग्म। एक समीकरण और देगा, एक कंडीशन और बताएगा वो, ठीक है। देखो अगली कंडीशन क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष, तो आज से 3 साल बाद में आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। अरे बेटा यहां से देख लो पहले, आफ्ताब की 3 साल बाद में, हाँ आफ्ताब की 3 वर्ष बाद, तो पूर्व और बाद का समझ में आ गया। तो 3 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस क्या हो जाएगी? 3। और इसीलिए पुत्री की 3 वर्ष, यहां लिख लेते हैं 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उसकी आयु? y प्लस में कितना? 3, ठीक है। अब
वही प्रश्न के हिसाब से प्रश्न क्या कहता है। अब कंडीशन लगाओ कि आफ्ताब कितना है x प्लस थ्री, उत्तरी कितनी है y प्लस थ्री, दोनों का आपस में रिलेशन क्या है कि तीन वर्ष बाद क्या हो जाएगा, मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो तीन गुनी आयु का मतलब किसको तीन से गुणा करें, उत्तरी की आयु को, तो तीन गुणा में कितना y प्लस थ्री। ठीक है, कितना x प्लस थ्री इजिकल टू कितना x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू कितना नाइन माइनस थ्री, कितना आया x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू कितना सिक्स। ये आपका समीकरण क्या बन गया, आगे समझने का। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज ये काम करवाती है आपसे क्या कि आपको लाइनें दे रखी है, उन लाइनों को क्या करना है बीज गणित के रूप में लिखना है, समीकरण बनाने हैं उनके। ठीक है, आगे समझ में ये, इससे आगे इसको हल करना है। तो पहले तो ये बताओ कि ये समीकरण है इनकी रेखाएं कैसी आएंगी, इन दोनों की रेखाएं आपस में कैसी आएंगी, जो कल आपको बताया था उस कॉन्सेप्ट के वजह से बताओ कैसी आएंगी, प्रतिच्छेदी कैसे, एक बटे में एक कितना माइनस का सेवन अपॉन में कितना माइनस का थ्री, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या आएंगी प्रतिच्छेदी आएंगी, प्रतिच्छेदी आएंगे तो मतलब आफ्ताब की आयु भी आएगी और पुत्री की आयु भी आएगी, एक ही आंसर आएगा ना। ठीक है, तो इसको क्या करना है ग्राफीय और बनाना है, ये तो हमने समीकरण बीजगणित तो बना दिया, अब ग्राफीय विधि और करनी है इसकी। तो x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस का 42, पहले पहला समीकरण उठाते हैं, तो पहला समीकरण से क्या आएगी लाइन ही आएगी, तो वो लाइन खींचने के लिए कम से कम आपको कितने बिंदु चाहिए, दो चाहिए, कितने चाहिए दो। एक लाइन खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए होते हैं, अनगिनत लाइन खींचने के लिए सिर्फ एक ही बिंदु चाहिए होता है कि वहां से तो कितनी गुजर सकती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर एक लाइन खींचनी है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, दो बिंदु चाहिए। इसमें x का मान मानो, y का मान निकाल लो, y का मान मान लो, x का मान निकाल लो। ठीक है, कितना x का मान जीरो ले लो, तो जीरो तो माइनस सेवन वाई इजिकल टू माइनस के 42, माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर कितना 42 बटे में सात, कितना 6 × 7 = 42। ठीक है, एक बार y को जीरो मान लो, एक बार y को जीरो मान लो, तो सात गुना में जीरो क्या हो गया जीरो, तो x की वैल्यू क्या आई माइनस का 42 आई, तो माइनस का 42 तो बहुत ऊपर नीचे चला जाएगा, माइनस के 42 अगर लिखने हैं आपको कहीं पे दिखाने पड़ जाएं तो काफ़ी ये लंबी लाइन जाएगी ना, तो इसलिए थोड़ा सा वैल्यू इसकी बढ़ा लो। ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ा लो, कितना 7 × 2 = 7 = 21 + 7 = 28 + 5 = 35, 35 अगर घटा दोगे तो नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो 7 × 5 = 35, माइनस के 35 है, उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के 35, तो माइनस के 42 और प्लस के 35 कितने माइनस के 7, ये नज़दीक हैं क्यों 5 7, ये तो ग्राफ पे नज़दीक मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये ढूंढते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, इसी पे मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट मिलेगा, क्या है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है 6। दूसरा x की वैल्यू -7, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट, ये कितना है -7 है और y की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मिला के स्केल की सहायता से आगे पीछे बढ़ा दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी, ये किसकी लाइन आई है x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू कितना -42। आगे समझ में क्या, ये अब दूसरी लाइन उठाओ, दूसरा समीकरण लेते हैं, तो वही x की वैल्यू 0 ले लो, तो कितना -3y इज इक्वल टू कितना 6, तो y इज इक्वल टू कितना 6 / -3, कितना -2। एक बार y का वैल्यू 0 ले लो, तो 3 × 0 = 0, तो x इज इक्वल टू कितना बचा 6, x 0 y -2,
एक्स जीरो वाई कितना माइनस टू, यहाँ पे मिलेगा एक्स जीरो है और वाई कितना है माइनस टू। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स का वैल्यू कितना है सिक्स, वाई का वैल्यू कितना है जीरो, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो कितना एक्स का वैल्यू सिक्स और वाई का वैल्यू कितना है जीरो, यही है ना। तो इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगी दूसरी लाइन। तो ये बोर्ड के ऊपर तो दिखाई कटती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमें पता है कि समांतर तो नहीं है, ठीक है। समांतर है या नहीं है कैसे पता लगेगा, वो तो ए वन अपोन में ए टू बराबर बी वन अपोन में बी टू बराबर ना हो सी वन अपोन में सी टू तो क्या होती है, समांतर होती है। आगे बात समझ में, हमें पता है कि ये क्या है प्रतिच्छेदी है, ये क्या है, तो आंसर तो आएगा, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू कितनी है सिक्स ही है, ठीक है। तो आफ्ताब की आयु छः वर्ष तो हो नहीं सकती, तो क्या मिलेगी कम से कम 40-45 का नज़दीक तो मिलेगा वो जितना भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आगे जाके कटेंगे कहीं ना कहीं पे क्रॉस करेंगे, ठीक है। आगे सुन में क्या ये, तो इन दोनों को क्या करना है, हल करना है। समीकरण मैंने बना दिया, ग्राफ के ऊपर भी मैंने दिखा दिया, ये कहते हैं नहीं उम्र भी बता दो उन दोनों की, उम्र कितनी आएगी। तो इन दोनों को हल करने का तरीका क्या है, पहली तो है विलोपन विधि। कौन सी विधि है विलोपन का मतलब क्या होता है कि या तो x को गायब कर दो या फिर किसको गायब कर दो, y को गायब कर दो, ठीक है। तो या तो चर x वाले बराबर हो जाने चाहिए या फिर y वाले बराबर होने, अगर पहले से ही बराबर पड़े हैं तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, बराबर है क्या, यहाँ पर भी एक एक्स है, यहाँ पर भी कितना है एक एक्स है, बराबर ही है, ठीक है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तब तो 2x हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा माइनस, यानी घटाने पर लिखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस के 7y प्लस के 3y माइनस के इज इक्वल टू माइनस के माइनस के 48। तो y इज इक्वल टू कितना माइनस 48 अपॉन में कितना माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 12, ठीक है। तो पुत्री की आयु आज कितनी है 12 वर्ष है, इसका ये जो y का मान निकाला है ये चाहे समीकरण एक में रख दो चाहे समीकरण दो में रख दो, तो समीकरण एक में लिख लेते हैं या फिर दो में लिख लेते हैं, दो बड़ा छोटा है ना, तो कितना x माइनस 3 इंटू में y का वैल्यू कितना 12 इज इक्वल टू कितना 6, तो x 12 गुना में 3 कितना 36 बराबर में कितना 6, एक्स कितना 6 प्लस में कितना 36, तो एक्स इजिकल टू कितना 36 और 6 कितना 42, ठीक है। तो आज आफ्ताब की आयु कितनी है 42, इसकी उम्र कितनी है 12, ठीक है। अब जो उसने कहा था कि 7 साल पहले, तो इसकी 7 साल पहले उम्र कितनी थी 5 साल, इसकी 7 साल पहले उम्र कितनी थी 5, इसकी 7 साल पहले उम्र कितनी थी 35, तो ये था ना इसका 7 गुना, इसका 7 गुना था ना। आज से 3 साल बाद में, तो ये 3 साल बाद में कितने की, ये 3 साल बाद में कितने का है ना, इसका 3 गुना। समीकरण जो हमने लिखे थे उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर आ रहा है हमारा, आगे समझने का। आज की तारीख में तो कोई रिलेशन है नहीं उनका, आज की तारीख में ये कितना है 12 वर्ष, ये कितना है 42, तो कुछ गुणा नहीं हो रहा, लेकिन 2-3 साल आगे बढ़ा दें या फिर 5-6 साल घटा दें तो उनका कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन आ जाता है। आगे समझ में क्या ये कैसे करना है, सेकंड सम देखो क्या है, ठीक है। तो इसके बेस पे आपको क्या ना घर से काम करके लेके आना है कि आज आपकी उम्र कितनी है और आपकी मम्मी की उम्र कितनी है, ठीक है। फिर उसमें से घटा के देखने हैं कि 4 साल पहले या 5 साल पहले या 7 साल पहले मेरा और मेरी मम्मी की उम्र में क्या रिलेशन था, कितने गुना था, 2 गुना था, 4 गुना था, 1 गुना था, 2 गुना था, ठीक है, है ना, कर लोगे, कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो वहाँ से भी आप 2 समीकरण बना सकते हो, एक तो कुछ साल पहले का, एक बना सकते हो कुछ साल बाद में कि मेरी मम्मी मेरी उम्र की कितने गुना हो जाएगी, है ना। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है, तो ना तो हमें बल्ले का मूल्य पता और ना ही, तो दोनों के दोनों मूल्य पहले मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो
तो माना एक बल्ले का मूल्य कितना, एक्स रुपए, ठीक है। और माना एक गेंद का मूल्य कितने। प्रश्नानुसार कितने बल्ले और कितनी गेंद खरीदी है उसने, तीन बल्ले, तो यानी कि कितने रुपए के हो गए, तीन गुना में एक्स प्लस में छह गेंदे खरीदे, तो छह गुना में कितना वाई, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं उसके, 3900 रुपये। तो ये तो पहला समीकरण यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है उसके बाद में, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की तीन गेंदे, तो कितनी है, चलो तीन है यहाँ पर एनसीईआरटी में, तीन के हिसाब से कर लेते हैं। एक बल्ला कितने रुपए का आएगा, एक्स रुपए का, प्लस में तीन गेंदे कितने रुपए की आएंगी, थ्री वाई, तीन गेंदे कितने की आएंगी, थ्री वाई, कितने पैसे लग जाएंगे उसके, 1300 रुपये लग जाएंगे। तो ये तो बस हो गया, समीकरण बन ही गया यहाँ पे, तो आगे समझ में क्या, ये क्या बन गया, बीजीय के रूप में, यानी समीकरण बना दिया हमने, इसको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए तो पहले इसके दो बिंदु चाहिएंगे आपको, वही अब देखो कितना है, अगर एक दो तीन लोग हैं ना तो सामने कितना 3900 है, ठीक है। तो या तो फिर हम 100 के आंकड़ों से चलेंगे, ग्राफ बनाएंगे ना, तो 100-100 का गैप ले लेंगे, या 200-200 का, या फिर 300-300 का, इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। तो एक बार जीरो ही लेके देख लेते हैं, जीरो से ही कितना बनता है, एक्स का मान जीरो ले लिया तो 6y कितना आएगा, 3900 आएगा, ठीक है। या फिर कितना ले लो यहाँ पर, 100 के हिसाब से ले लो, एक्स की वैल्यू 100 लोगे, 300 उधर जाके घटेगा तो कितना आएगा, 3600 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 100 ले लो, तो 100 गुणा में 3 कितना, 300, 300 उधर जाके कम हो गया कितना, 3600। तो y बराबर कितना, 3600 बटे में कितना, 6, कितना आया, 600 आया, कितना आया, 600, ठीक है। और देखो x का वैल्यू और लो, और बढ़ाओ, 6 × 12, 1200 उधर जाके घटाओगे कितने बचेंगे, 27, 6 से तो नहीं कटता ना, तो इसलिए वो तो नहीं लेंगे फिर, ठीक है। और कुछ लो, तीन सौ गुना में 3 कितना, 900, 300 ले लो, चलो तो 300 गुना में 3 कितना, 900 उधर जाके कम हो गया कितना हुआ, 3000 के बटे में 6 कितना, 5, ये दो पॉइंट आ गए इसके, ठीक है। ग्राफ बनाना है तो 100, 200, 300, 400, 500 ये चल रहा है, तो फिर 100-100 का गैप लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये जीरो है, ये कितना है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ऐसे ही 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो पहला कितना है, 100, 600, एक्स का वैल्यू कितना, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये एक्स का वैल्यू कितना है, 100, वाई का वैल्यू कितना है, 600। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स का वैल्यू 300, वाई का वैल्यू 500, तो 100, 200, 300, ठीक है, और y का वैल्यू कितना, 500, तो ये आ जाएगा, x का वैल्यू कितना, 300, y का वैल्यू कितना, 500। चाहे ये पॉइंट नज़दीक आए चाहे दूर आए, हमें क्या करना है, स्केल लेके और इसको मिला के आगे पीछे बढ़ाना है, ठीक है। ये तो पहली लाइन का आ गया, उसके बाद में दूसरी लाइन के लिए, x का वैल्यू क्या ले, 100 लेने पर कितना आएगा, 1200, एक्स का वैल्यू 100 लोगे तो 1200 कितना, 400। और बताओ एक्स के वैल्यू क्या लें, 300, फिर हजार नहीं होगा भाग, 400 ले लो, तो कितना, 400 घटेगा कितना, 900 के बटे में 3 करोगे कितना आएगा, 300। तो एक्स का वैल्यू 100, वाई का वैल्यू 400, एक्स का वैल्यू 100, वाई का वैल्यू 400, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा। और दूसरा पॉइंट क्या, x का वैल्यू 400, y का वैल्यू 300, 100, 200, 300, 400, और y का वैल्यू कितना, 100, 200 और कितना, 300, इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट आएगा, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, आगे पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ पर कटेगा, ठीक है। ये ग्राफिकली यहाँ पर कट रहा है,
ये सही नहीं है, क्योंकि ये मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट नहीं किया है। आपका आंसर क्या आएगा, ये जहाँ पर कटता है ना वो आंसर होता है, लेकिन ये आंसर कहाँ कट रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस की आ रही है, तो बल्ले का मूल्य माइनस में तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये क्या कटेगा, पॉजिटिव साइड में ही कटेगा। चेक कर लेते हैं कितना आएगा, तो इन दोनों समीकरणों को हल करना है। कैसे हल करते हैं, विलोपन विधि लगाएंगे। सबसे पहले कौन कौन से समीकरण है, ये 3x + 6y प्लस में कितना 3900, क्या ये सारे के सारे 3 से भाग होते हैं, कितना 3 × 3 3 × 6 13 39 है ना। दूसरा क्या है, x प्लस में कितना 3y इज इक्वल टू कितना, आई बात समझ में क्या यहाँ पर, ठीक है, मैं या तो इसको ना 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो कितना आएगा, 3 × 3 कितना 9, 13 × 3 कितना 39, तब भी बराबर हो जाएंगे। या फिर मैं, पता है कि मेरे को ये सारे का सारा समीकरण भाग हो रहा है किसी से, तो भी मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि या तो चर एक्स बराबर हो जाए या फिर चर क्या हो जाए, वाई बराबर, ठीक है। अब देखो, पहले यहीं से देख लेते कि इसका एक हल आएगा, ये दोनों आपस में कटेंगे या नहीं कटेंगे, कितना 3/1 3/1 2 ये अनुपात कितना है, 3/1 है, ये अनुपात देखो 6/3 2/1 बराबर है क्या, बराबर नहीं है तो कट तो जाएगा, आपस में कटेगा ना, प्रतिच्छेद होगा तो फिर क्या आएगा, आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या करें, माइनस ये तो कट गया, माइनस के 3y प्लस के 2y माइनस के सामने, तो गेंद का मूल्य तो 0 आया, ऐसे थोड़ा ही होगा, कहाँ गड़बड़ की है, गड़बड़ कहाँ की है, गड़बड़ हुई है आपकी समीकरण में, समीकरण में दूसरा एक किसने बताया था, समीकरण दूसरा बोला था, हाँ कहाँ पर है, ये जो दूसरा समीकरण था, ठीक है, इसमें क्या दी हुई है, 3 गेंदें दी हुई है, ठीक है, लेकिन 3 गेंदें नहीं लेनी, हमें क्या लेनी है, अगर 2 ले लेते हैं तो एक बल्ले और 2 गेंदों का मूल्य, कितनी गेंदों का मूल्य है, 2 गेंदों का मूल्य, ठीक है, क्योंकि इसको जब कर रहे थे ना, कट कर रहे थे, तब ये कहाँ दिखाई दे रहा, माइनस में दिखाई दे रहा था, तो माइनस में बल्ले का मूल्य नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये जो दूसरी लाइन है, ये आपको किसके अकॉर्डिंग करनी है, x + 2y = 1300 इसके अकॉर्डिंग करनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस में कितना 2y = 1300, ठीक, आगे समझ में गया ये। तो अब देखो 3/1 अनुपात ये हुआ, 6/2 3/1 बराबर हो गया ना, चेक, 3900/1300 3/1 कितना 1, तो इसका मतलब तो ये लाइन क्या आएंगी, संपाति आएंगी, जो दूसरी लाइन खींचोगे ना वो क्या आएगी, पहले वाली लाइन के क्या आएगी, ऊपर आएगी, सिर्फ एक गुणांक के कारण, देख लो कहाँ चली गई लाइन, है ना, पहले x + 3y था, अब क्या है x + 2y = 1300, तो इसकी अगर लाइन हमें निकालनी है, x का वैल्यू कितना 100, तो y का वैल्यू कितना 600, और ले लो x का वैल्यू कितना 400 नहीं 300, x का वैल्यू 300 ले लेते हैं, 1000 कितना, ये रहा x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 600, सेम पॉइंट आया है, दूसरा x का वैल्यू 300, y का वैल्यू कितना 500, यही सेम पॉइंट आए हैं, इन्हीं दो सेम पॉइंटों को मिलाओगे तो लाइन एक बार फिर इसकी क्या आएगी, ऊपर ही आएगी, आगे बात समझ में क्या। तो आप लाइन पहले से ही डिसाइड देख सकते हो कि लाइन कहाँ पर आएगी, वो कैसे पता लगता है, अनुपात से पता लगता है, a1/a2 b1/b2 c1/c, आगे बात समझ में क्या। और वैसे भी थोड़ा सा अगर जनरल दिमाग लगाएं कि एक दुकान से सामान खरीद के ला रहे हैं, बल्ले खरीद के ला रहे हैं और वही बॉल खरीद के ला रहे हैं, तो दोबारा वही रेट लगेगी,
एक बल्ला पहले जितने का लगाया था दूसरी बार उतने का ही लगाएगा ना, अगर महंगाई बढ़ाए ना तो वो भी ऐसा कहे कि पीछे से महंगा आ रहा है, तो हम कोशिश क्या करते हैं उसी रेट पे लाने की कोशिश करते हैं। अगर उसी रेट पे लाने की कोशिश करेंगे तो लाइन तो क्या आएगा, समीकरण क्या आएगा, वही आएगा। आ गया समझ में? तो चाहे बल्ले आप तीन खरीदो तो उसके रेशियो में कम खरीदोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका रेशियो सेम ही आएगा। पता लग गया क्या? तो मेन क्या है कि तीसरे चैप्टर में भी और चौथे में भी यहाँ पर तो क्या बनाने हैं, रैखिक समीकरण बनाने हैं। आपको स्थितियाँ दे रखी होंगी, कंडीशन दे रखी होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पहले रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद में उसको हल करने की बात आती है। तीसरा सवाल और कर लेते हैं। ये तो जो हमने एग्जांपल लिया था वैसा ही आ गया फिर। क्या है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर किसी दिन 160 रुपए के थे, तो अंगूर और सेब का मूल्य मानना पड़ेगा। तो माना 1 किलो सेब का मूल्य, हाँ कितना, एक्स रुपए, और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना, वाई रुपए। तो प्रश्न क्या कहता है, कितने किलो सेब है, 2 किलो, तो कितने के हो गए, 2x के हो गए, प्लस में 1 किलो अंगूर है तो 1 गुना में y कितना हो गया, y कितने रुपए के पड़ते हैं, बड़े सस्ते बेच रहा है, 160 रुपए के, ठीक है। 1 महीने बाद 4 किलो सेब 4x प्लस में कितना, 2y, 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो गया, कितना हो गया, ठीक है। ये इसके रैखिक समीकरण बना दिए। इसका ग्राफ कैसे आएगा वो चेक कर लो, 2/4 दोनों बराबर हो गए तो प्रतिच्छेदी तो आएगा नहीं। अब देखते हैं समांतर आएगा या एक दूसरे के ऊपर आएगा, संपाति आएगा। 160/300, 16 का दुगुना कितना होता, 32, 320 होता, तब 1/2 आता, तो मतलब तीसरे के बराबर तो नहीं आएगा। तो कैसी रेखाएं आएंगी, समांतर आएंगी, समांतर आएंगी। तो ना तो 1 किलो सेब का मूल्य निकाल पाओगे और ना ही 1 किलो अंगूर का मूल्य निकाल पाओगे, कोई हल नहीं आएगा इसका। इसमें आप पता ही नहीं पाओगे कि 1 किलो सेब का मूल्य कितना है और 1 किलो अंगूर का मूल्य है कितना है। आगे समझ में क्या, रैखिक बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए तो पॉइंट निकालोगे, दो इसके 2 पॉइंट निकालने हैं, एक्स का मान मान लेना, वाई का मान आ जाएगा, ऐसे इसमें मान लेना, एक्स का मान मान के वाई का मान निकालोगे तो रेखाएं कैसी आएंगी, समांतर आएंगी, ठीक है। हो जाएगा ये।